अस्सलाम वालेकुम आप सबको पता होगा कि एस एस टी की टेस्ट जो है वो दो मई से स्टार्ट हो रही है तो हम बजाय जो अभी एक सीरीज़ को कंटिन्यू करें हम क्या करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज़ देखेंगे जो कि एस एस टी के पेपर में हमसे पूछे जा सकते हैं ठीक है मेरे हिसाब से आज की जो वीडियो है जैसे हम ज़ूम पर लेक्चर अटेंड करते हैं ना ज़ूम पर ज़ूम एप्लीकेशन पर ऐसे ऐसे समझे हमारा आज लाइव जो है एक सेशन होगा लाइव हम जो है क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि कि आज हम एम सी क्यूज़ फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देखेंगे मैं सिर्फ आपको बताता जाऊँगा चीज़ें आपको याद करनी है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज़ हैं जाहिर सी बात है पाकिस्तान में एग्जाम दे रहे हैं तो पाकिस्तान के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे तो आज की वीडियो में बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं भाई ये वीडियो जब आखिर तक आप देखेंगे ना तो आखिर में आप मुझे बताना कि और रहता क्या है बचता क्या है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ठीक है और अगर कोई एरिया बचता है तो आप मुझे लाजमी बताएँ ठीक है और इस वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट में अपलोड करूँगा अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक लाजमी दे दें और ये वीडियो ये सीरीज़ हम जो है टेस्ट तक कंटिन्यू करेंगे तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी मोबाइल की स्टोरेज खाली कर लें अगर आपके पास बुक और पेन नहीं है तो आप स्क्रीन ले लें अगर आपके पास बुक और पेन है तो आप चीज़ों को नोट डाउन कर लें और रिविजन करें यहाँ से बाहर मेरे ख़्याल से जो है पेपर नहीं आएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं माउंटेनियस रेंजेज़ क्योंकि इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज भी करते हैं और एसपीएससी का माउंटेनियस रेंजेस जो है तकरीबन फेवरेट टॉपिक रहा है ठीक है सबसे पहले देखते हैं केटू को केटू जो है वो हमारे पाकिस्तान का जो है फर्स्ट लार्जेस्ट जो है लॉफ्टीस्ट पीक है सबसे बड़ी पीक है ठीक है दुनिया की दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान की पहले नंबर पर है ठीक है इसके नाम कौन कौन से हैं एक इसका नाम है गोडविन आस्टिन एक इसका नाम है चौगोरी एक इसका नाम है दस पेंज ठीक है इसकी मीटर्स में हाइट कितनी है एट सिक्स डबल वन एट सिक्स डबल वन मीटर्स और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि केटू जो है वो कौन सी रेंज में वाक्य है तो वो कराकरम रेंज में वाक्य है ठीक है अब पाकिस्तान का जो सेकेंड हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है वो है नांगा पर्वत नांगा पर्वत जो है पाकिस्तान की सेकेंड हाइएस्ट पीक है जिसको हम नेक्ट माउंटेन भी बुलाते हैं या किलर माउंटेन भी बुलाते हैं इसकी हाइट जो मीटर्स में है वो एट वन टू सिक्स मीटर्स है कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि नांगा पर्बत जो है वो कौन सी रेंज में आता है तो वो हिमालय रेंज में आता है अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है जो रेंज पाकिस्तान से गुजरती है हिमालय की उस लिहाज से हिमालयन रेंज के सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो पाकिस्तान में वो नांगा पर्वत है लेकिन दुनिया के लिहाज से वो फिर वो जो है माउंट एवरेस्ट है ठीक है ये क्वेश्चन आप याद रख कर लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलते हैं इसक्रीन शॉट ले लें या आप अगर बुक पर लिख रहे हैं तो मज़े मज़े से जो है इसको पास करके या इसको स्टॉप करके आप लिख सकते हैं अब दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान में कितने माउंटेन्स हैं कितनी पीक्स हैं जो कि आठ हज़ार जो है मीटर से उनकी हाइट ऊपर है याद रखेंगे पाकिस्तान में सिर्फ पाँच ऐसे माउंटेंस हैं जिनकी हाइट जो है वो आठ हज़ार मीटर से ऊपर है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन पाँच में से जो है कौन कौन सी रेंज में है एक जो है वो हिमालयन रेंज में है मैंने आपको बता है, नांगा पर्वत बाकी जो जो चार हैं वो वो हमारे कराकरम रेंज में है। एक जो है हिमालय में वाक्य है चार हमारे कराक्रम रेंज में वाक्य है मैं उनके सारे नाम आपको बता देता हूं कि आठ मीटर से ऊपर हैं पहले नंबर पर तो केटू है ठीक है दूसरे नंबर पर है नांगा पर्वत नांगा पर्वत जिसे हम नेक्ट माउंटेन भी बुलाते हैं तीसरे नंबर पर है गैशर बरम वन ठीक है गैशर बरम वन ये भी कराक्रम रेंज में वाक्य है ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि गैशर बरम वन वन जो है वो कौन सी रेंज में वाक्य है कराक्रम रेंज में वाक्य है इसको हम हिडन पीक भी बुलाते हैं हिडन पीक चौथी हमारी पीक है जो कि 8000 मीटर से ऊपर है वो है ब्रॉड पीक ठीक है ब्रॉड पीक और लास्ट में जो हमारी पांचवी है वो है बरम टू अब आप एक चीज़ याद रख लें कि नांगा पर्वत जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है वो सिर्फ हिमालयन रेंज में वाक्य है बाकाया जो चार हैं हमारी हाइएस्ट माउंटेन जो कि आठ मीटर से उनकी हाइट ऊपर है वो चारों जो है कराकरम रेंज में वाक्य है इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है मैंने देखा भी है एक जगह पर क्वेश्चन और कुछ माउंटेन रेंज है जो कि मुझे याद हैं जो कि मशहूर भी है जो कि सवाल पूछे जाते हैं जैसे आपसे पूछ सकता है कि हिंदू हिंदूकश रेंज जो है हिंदू हिंदूकश माउंटेन रेंज उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो उसकी हाईएस्ट पीक है ट्रिचमीर ठीक है ये भी आप याद कर लें ये भी क्वेश्चन एस एस टी की टेस्ट सॉरी एस टी एस आई बी ए की टेस्ट में भी आया था और एस पी एस सी ने भी काफ़ी मरतबा पूछा है और एक रेंज है साल्ट रेंज आपसे पूछ सकता है कि साल्ट रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो है सकेसर ठीक है और जो आपसे पूछ सकता है कि कोहे सलेम की जो है वो हाईएस्ट पी कौन सी है वो है तख्ते सुलेमान और कोहे सफ़ेद जो है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है वो है सिकराम माउंट सिकराम ठीक है ये सब क्वेश्चन आप अपने बुक पर भी नोट डाउन कर लें और स्क्रीन भी ले लें क्योंकि घर पर हों तो बुक पर बुक में पढ़ें और अगर बाहर हों तो आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं ठीक है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाजमी आप इनको अच्छे तरीके से देखें अगला हम टॉपिक उठाते हैं जो भी ओल्ड नेम है ठीक है जो भी नए ने नेम या ओल्ड नेम जो भी हैं उनको हम देखते हैं पाकिस्तान के लिहाज से क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता बता रहा हूँ एम सी क्यूज़ फॉर्म में नहीं बता रहा लेकिन सिंपली बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर याद होगा कि पाकिस्तान की हाइएस्ट पी कौन सी है मैं अगर आपको बताऊँ कि केटू है ठीक है तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा वुच इज द लार्जेस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान तो आप ज़ाहिर सी बात है केटू पर ही टिक लगाएंगे ना एम सी क्यूज़ फार्मेट में लाजमी तो नहीं है ना अभी टाइम कम है तो इस वजह से हम इस तरह से एम सी क्यूज़ देख रहे हैं अब देख लेते हैं हैदराबाद का पुराना नाम क्या है हैदराबाद का पुराना नाम है नीरोन कोट आपसे पूछ सकता है कि कोईटा का पुराना नाम क्या है तो कोईटा का पुराना नाम है शालकोट और आपसे पूछ सकता है कि अटक का पुराना नाम क्या है अटक का पुराना नाम है कैंप बेलपुर ठीक है एक आपने रिवर सुना होगा काबुल रिवर ठीक है काबुल रिवर जो है यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है काबुल रिवर इंडस रिवर को कहाँ पर ज्वाइन करता है तो वो अटक के करीब करता है ठीक है और एक आपने पोर्ट सुना होगा जो कि कराची में है बिन कासिम पोर्ट अब बिन कासिम पोर्ट का ओल्ड नाम है पिपरी ठीक है एक बड़ा मशहूर शहर है आपने सुना होगा पाकपतन पाकपतन का नाम है पुराना नाम है अयोधन अयोधन ठीक है और जो लाहौर का पुराना नाम है महमूदपुर या महमूदाबाद ये दोनों जो है इसको कंसिडर किया जाता है साहिवाल साहिवाल का पुराना नाम है माउंट गोमेरी ठीक है माउंट गोमेरी और फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है वो है लियालपुर क्या है लियालपुर और गुजरावाला का पुराना नाम क्या है वो है खानपुर सांसी ठीक है मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन स्क्रीन पर शो करा दूंगा आप मज़े से जो है इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं या स्क्रीन ले सकते हैं और इस्लामाबाद का पुराना नाम क्या है वो है राजशाही इस्लामाबाद को ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान भी बुलाते हैं ठीक है ब्रेसलिया जो कि ब्राज़ील का कैपिटल है और जेकबाबाद का पुराना नाम क्या है वो है खानगढ़ और आपसे ये भी पूछ सकता है कि केपी के का पुराना नाम क्या था वो था एन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आगे हम क्वेश्चन उठाते हैं जो भी लैंड या सिटी के हिसाब से जो क्वेश्चन मशहूर हैं वो हम देखते हैं ठीक है अब आपसे पूछ सकता है कि लैंड ऑफ़ फाइव रिवर्स या लैंड ऑफ रिवर्स जो है हम किसको बुलाते हैं तो वो पंजाब को बुलाया जाता है आपसे पूछ सकता है कि सिटी ऑफ कॉलेज हम किस बुलाते हैं वो हम लाहौर को बुलाते हैं मैंने आपको बताया कि लाहौर का पुराना नाम है वो है महमूदपुर और लाहौर पंजाब का कैपिटल भी है और लाहौर जो है वो पंजाब का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट सिटी है और पंजाब का इन टर्म्स ऑफ एरिया वो बहावलपुर है ठीक है लार्जेस्ट जो है वो सिटी ठीक है आपसे पूछ सकता है कि सिटी ऑफ लाइट्स जो है रोशनियों का शहर किसको कहा जाता है वो कराची को कहा जाता है आपको सबको पता है गेट वे टू पाकिस्तान किसको जा, कहा जाता है वो कराची को कहा जाता है ठीक है अब आपसे पूछ सकता है कि गेट वे टू इंडिया वो किसको कहा जाता है वो कहा जाता है बॉम्बे को जिसको हम अब आज मुंबई के नाम से जानते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि मंचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसको बुलाया जाता है वो फैसलाबाद को हम बुलाते हैं मंचेस्टर ऑफ पाकिस्तान या टेक्सटाइल सिटी ऑफ पाकिस्तान ये दोनों जो है हम फैसलाबाद को बुलाते हैं ठीक है आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिटी ऑफ़ फ्लावर्स हम किसको बुलाते हैं वो हम बुलाते हैं पिशावर को ठीक है अब आपसे ये पूछ सकता है कि वु सिटी सॉरी हाँ वच सिटी इज़ का लिटिल पाकिस्तान अब आप सबको पता नहीं होगा काफ़ी सारे लोगों को कि यूके में एक सिटी है ब्रेडफर्ड ब्रेडफर्ड में पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो सिग्निफिकेंट तादाद में रहती है वहाँ पर इस वजह से उसको लिटिल पाकिस्तान का नाम दे दिया गया है तो यूके में ये सिटी है ब्रेडफर्ड उसको कहा जाता है लिटिल पाकिस्तान ठीक है सिटी ऑफ ग्रीनरी अगर आपसे पूछा जाए तो वो इस्लामाबाद है आप सबको पता है या आपको आपसे पूछा जाए कि फ्रूट बास्केट ऑफ़ पाकिस्तान हम किसको बुलाते हैं तो वो हम बलोचिस्तान को बुलाते हैं आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिटी ऑफ़ परफ्यूम्स किसको हम बुलाते हैं ये क्वेश्चन मैंने गूगल पर सर्च किया आ, तो बड़ा ही फ़नी क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ़ परफ्यूम्स मतलब खुशबुओं का शहर परफ्यूम का शहर किसको कहा जाता है हैदराबाद को कहा जाता है जहाँ पर भाई एस पी एस सी की जो है वो हेड क्वार्टर वाकई है जहाँ पर टेस्ट होगा सबका और सिटी ऑफ जो है सेंट किस को कहा जाता है आप सबको पता होगा कि सिटी ऑफ सेंट्स जो है वो मुल्तान को कहा जाता है एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लैंड लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर या लैंड ऑफ प्योर पीपुल ये दोनों अगर कहां पर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आपको पाकिस्तान टेक करना है प्योर पीपुल तो ठीक है भाई याद कर लें चलिए आगे चलते हैं डैम्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं डैम बैराज़ और माउंटेन पीक्स जो है ये एस पी एस सी का जो है फेवरेट एरिया है सबसे पहले हम देखते हैं मंगला डैम को मंगला डैम जो है वो नाइनटीन सिक्सटी सेवन में बना था और जो है ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि मंगला डैम इज़ लोकेटेड ऑन या मंगला डैम इज़ सिचुएटेड ऑन वुच रिवर तो वो जहलम रिवर पर वाकई है ठीक है और आगे हमारा डैम है तरबेला डैम तरबेला डैम ये नाइनटीन सिक्सटी सॉरी नाइनटीन में बना था और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरबेला डैम जो है वो कौन से रिवर पर बनाया गया है तो वो इंडस रिवर पर बनाया गया है इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर है ठीक है एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वारसक डैम वारसक डैम जो कि 1960 में बनाया गया था और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वारसक डैम जो है वो कौन से दरिया पर लोकेटेड है तो वो काबुल रिवर पर बनाया गया है और वारसक डैम को जो है वो ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि इसको माना जाता है कि इसको नाइनटीन में बनाया गया था अयूब के दौर में ठीक है आगे हमारी डैम है दाया बादशाह डैम ठीक है दाया बादशाह डैम जो है वो इंडस रिवर पर लोकेटेड है हमारा अगला अगली जो डैम है वो है हब डैम हब डैम जो है वो हब रिवर पर वाक़ है और रावल डैम रावल डैम जो इस्लामाबाद में वाक़ है आपको पता है कि रावल डैम जो है वो कोरंग रिवर पर बनाई गई है और लास्ट में हमारा जो है वो कानपुर डैम कानपुर जो डैम जो कि कैपी के में वाक़ है ये हारू रिवर पर वाक़ एच ए आर ओ स्पेलिंग में आपको शो करा दूँगा ठीक है मोटे मोटे हम चीज़ें देख रहे हैं जो कि एस पी एस सी में पूछी जा सकती हैं ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएँगे क्योंकि इतनी कोई ख़ास डैम्स वग़ैरह पाकिस्तान में है नहीं तरबेला और मंगला वारसक डेम के हवाले से क्वेश्चन जो है आ जाता है तो जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में समझता हूं तो वो मैं आपको बताता जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं एस की टेस्ट में बैरज के हवाले से ठीक है अब हम सिंध में टेस्ट दे रहे हैं तो बिलखसूस वो सिंध के बारे में ज़्यादा पूछता है ठीक है अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान का और सिंध का सबसे लार्जेस्ट रिवर है उस पर जो है वो कौन कौन से बराजज वाक़ हैं मैं आपको पहले ये बताऊँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मनी बराजिज आर लोकेटेड ऑन इंडस रिवर तो वो छः बराजिज़ हैं ठीक है अब मैं आपको उनका नाम बारी बारी बता देता हूँ फिर उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ पहले आपने सुना होगा चश्मा बराज चश्मा बराज ये पंजाब में वाक्य है लेकिन इंडस रिवर पे वाक्य है दूसरा आपने सुना होगा जिनाब बिराज ठीक है जिनाब बिराज भी पंजाब में वाक्य है लेकिन इंडस रिवर पे वाक्य है तीसरा है तोनसा बिराज ठीक है तोनसा बिराज भी जो है वह इंडस रिवर पर वाक है ये तीन हो गए पंजाब में और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस रिवर पर जो है पंजाब से कितने जो है वो बराज हैं वो तीन पंजाब से हैं और तीन सिंध से हैं सिंध से कौन कौन से हैं एक है गुड्डू बैराज ठीक है और दूसरा है सखर बराज तीसरा है गुलाम मोहम्मद बराज सखर बराज आपने सुना होगा कि सिंध का सबसे पाकिस्तान का सिंध का और पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बैराज है और ओल्डेस्ट बैराज भी है इसको नाइनटीन में बनाया गया था और ये भी इंडस रिवर पर वाक़ है और सखर बराज का पुराना नाम है लेलड़ बराज ठीक है अब कोटड़ी बैराज का आपसे पुराना नाम पूछ सकता है तो कोटड़ी बराज का पुराना नाम है गुलाम मोहम्मद बराज और इसको 1955 में बनाया गया था और यह भी जो है एसएस में क्वेश्चन आया था जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टेस्ट हुई थी उसमें वो पूछ रहा था कि कोटली बेराज को कितने गेट्स हैं ठीक है तो कोटली बराज को 44 गेट्स हैं और यह भी क्वेश्चन आया था कि वहाँ से कितनी नहरें निकलती हैं तो कोटली बराज से जो है वो चार नहरें निकलती हैं जो एक दादू की तरफ जाती है एक थट्टा की तरफ जाती है एक हैदराबाद की तरफ जाती है और एक जो है वो बदीन की तरफ़ जाती है अब गुड्डू बराज गुड्डू बराज जो है ये इसको बनना स्टार्ट नाइनटीन में किया गया था आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुड्डू बेराज बनना कब स्टार्ट हुआ था 1957 में इसका फाउंडेशन स्टोन इस किसने रखा था वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने रखा था ठीक है इस्कंदर मिर्जा ने और ये कंप्लीट कब हुआ था ये 1962 में जो है वो कंप्लीट हो गया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुड्डू बेराज में जो है वो कितने गेट्स हैं कितने दरवाजे हैं तो गुड्डू बेराज में जो है वो सिक्सटी गेट्स हैं अब कुछ सवाल हम देखते हैं पासिस के जो भी हमारे पास पासिस हैं एक हमारे पास है खुजरा पास खुंजरा पास पा जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है शाहरा रेशम से जिसको हम सिल्क रोड बुलाते हैं यहाँ से गुजरता है ठीक है खुंजरा पास ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट पास है अगर आपसे पूछे कि विच इज़ द लार्जेस्ट पास ऑफ पाकिस्तान तो वो खुंजरा पास है एक पास है मुजदग पास ठीक है मुजदग स्पेलिंग आपको शो करा दूंगा स्क्रीन पर मुजदग पास ये भी पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है लेकिन यह पाकिस्तान का हाईएस्ट पास है ठीक है काफ़ी सारे लो को, लोगों को यह लगता है कि खुंजरा पास जो है वो पाकिस्तान और चाइना को जो कनेक्ट करता है वो पाकिस्तान का लार्ज हाईएस्ट पास है लेकिन ऐसा नहीं है एक पास है वो भी पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है मुजदक पास यह पाकिस्तान का हाइस्ट पास है ठीक है अब दूसरे कुछ मशहूर पास जो हैं जैसे खैबर पास खैबर पास आप सब ने सुना होगा जो कि पाकिस्तान को अफग़ानिस्तान से कनेक्ट करता है ये भी आप क्वेश्चन याद रख लें कि वुच पास कनेक्ट पाकिस्तान विथ अफ़गानिस्तान तो वो है खैबर पास आप सब ने देखा होगा कि हमारा दस रुपये वाला जो नोट है उस पर भी जो है वो पीछे खैबर पास की तस्वीर लगी हुई है ऐसे क्वेश्चन भी एस एस टी एस टी एस में मैंने देखे थे कि सौ रुपये के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है बीस रुपये के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है ये क्वेश्चन भी आप याद रख लें ठीक है एक हमारे पास पास है लोवारी पास लोवारी पास ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोवारी पास कनेक्ट्स तो लोवारी पास जो है वो अपर दीर को चित्राल से कनेक्ट करता है अपर दीर को चित्राल से कनेक्ट करता है ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि लोवारी पास कनेक्ट्स चित्राल विथ तो अपर दीर आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं एक आपने सब ने सुना होगा जो कि मशहूर व्यू पॉइंट है मशहूर जो है टूरिस्ट प्लेस है बाबूसर पास बाबू सर टॉप आपने सुना होगा बाबू सर पास भी है ठीक है बाबू सर पास जो है वो मानसेरा को मानसेरा के, के पी के का इलाका है एबटाबाद के करीब जो मानसेरा है उसको कनेक्ट करता है जीबी से गिलगित बल्तिस्तान से ठीक है बाबू सर पास ये आप याद रख लें खैबर पास तो मैंने आपको बता दिया कि वो काबुल को पिशावर से कनेक्ट करता है एक हमारे पास है शानदुर पास शां पास या शंदूर पास ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये बड़ा मशहूर जो है वो पास है शानंद पास चित्राल को जो है वो गिलगित से कनेक्ट करता है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शानदुर पास कनेक्ट्स चित्राल विद तो वो गिलगित आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं ये काफ़ी जगह पर माना जाता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सॉरी हाइस्ट पोलो ग्राउंड जो है वो शांदुर में वाकई है हाइस्ट जो कि हाईली एलिवेटेड एरिया पर पोलो ग्राउंड जो है वो दुनिया में शांदुर में वाक़ है ठीक है पोलो से याद आया तो आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने स्लेव डाइनेस्टी का जो है क्याम किया था नाइनटीन सॉरी ट्वेल्व जीरो सिक्स में उसकी मौत भी जो है वो नाइन टेन में जो है वो पोलो खेलते हुए हुई थी ठीक है और एक लास्ट हमारे पास पास है गोमल पास गोमल पास जो है वह गज़नी अफ़गानिस्तान को डेरा इसमाइल ख़ान से जो है वो कनेक्ट करता है लास्ट हम आज का टॉपिक देखते हैं लार्जेस्ट जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जितनी जितनी पूछी गई है या पूछी जा सकती हैं एक्सपेक्टेड वो हम देखते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट एयरलाइन कौन सी है पाकिस्तान की वो पी पाकिस्तान की ओल्डेस्ट एयरलाइन या पाकिस्तान की फ़र्स्ट एयरलाइन थी उसका नाम था ओरिएंटल एयरलाइन ठीक है अब आपसे ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है तो वो जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है अभी इस्लामाबाद में बना रहे हैं लेकिन अभी बना नहीं है तो कहा यह जा रहा है कि वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा पाकिस्तान का आपसे ये पूछें कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है तो वो रनीकोट फोर्ट है जो कि नियर जाम जो है वो, वो वाक़ है जाम डिस्ट्रिक्ट में आपसे अगर ये पूछे कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट पाकिस्तान कौन सा है वो छांगा मांगा फॉरेस्ट है छांगा मांगा जो कि कसूर डिस्ट्रिक्ट में वाकई है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छांगा मांगा फॉरेस्ट को जो है वो प्लांट कब किया गया था लगाया कब किया गया था तो ये गोरों ने लगाया था जो भी ब्रिटिशर्स थे ना इन्होंने एटीन में जो है इन्होंने ये फॉरेस्ट लगाया था एटीन में ये याद कर लें ठीक है और कहीं पर अगर आपसे ये पूछें पूछ लें कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है वो था लार्जेस्ट हंगामागा ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट फॉरेस्ट पाकिस्तान का कौन सा है वो है जूनीपर जूनीपुर ठीक है जूनीपुर जो कि जियारत साइड पर जो है वाकई है बलोचिस्तान में ज्यारत जहाँ पर कायद अज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट नेचुरल लेक या फ्रेश वाटर लेक कौन सी है तो वो है मंचर लेक मंचर लेक से के हवाले से एक बड़ा क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है लोगों को हम वहां रहते हैं तो मुझे पता है आपसे अगर पूछ ले कि मंचर लेक जो है मंचर लेक इज़ लोकेटेड नियर अगर नियर का ऑप्शन आ जाए तो वहाँ पर आप दादू टिक करेंगे अगर आपसे पूछे कि मंचर लो लेक इज़ लोकेटेड इन वच डिस्ट्रिक्ट तो वो जामशोर डिस्ट्रिक्ट में है नियर आ जाए तो दादू डिस्ट्रिक्ट का पूछे तो वो जामशोर डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है आपसे अगर ये पूछें कि पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है तो वो किंझर लेक है किंजर और जो सोनेहरी लेक है ना इन दोनों को मिलाकर जो है किंजर लेक को बनाया गया था आर्टिफिशियल जो है वो लेक कहा जाता है पाकिस्तान की इसको सबसे बड़ी आपसे अगर ये पूछे कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है वो आपको पता है कि नेशनल म्यूजियम कराची है अगर आपसे ये पूछे कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है तो वो लाहौर रेलवे स्टेशन है ठीक है अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म पाकिस्तान का है वो रोहड़ी का है ठीक है रोहड़ी आपने सुना होगा जो कि सिंध का एक शहर है आपसे अगर ये पूछे कि लार्जेस्ट रोड टनल पाकिस्तान में कौन सी है तो वो है लोवारी टनल आपसे अगर ये पूछे कि लार्जेस्ट रेलवे टनल कौन सी है तो वो है खोजक टनल एक आप और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट वर्कशॉप कौन सी है पाकिस्तान में ठीक है तो वो है मुगलपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो है वर्कशॉप आगे है उसका नाम है मुगलपुरा आपसे अगर ये पूछे कि पाकिस्तान में हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है हाईएस्ट मतलब जो कि हाईली एलिवेटेड एरिया पर हो वो है खान मेहतरजई जो कि बलोचिस्तान में वाकई है ये मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लें इनसे बाहर मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन आएंगी क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से ऐसी इंफॉमेशन है जो कि तकरीबन हर टेस्ट में पूछी जाती है आपसे अगर ये पूछे कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है वो है कैनअप के ए एन यू पी के ए से मुराद कराची एन यू से मुराद न्यूक्लियर पी से पावर ठीक है कराची न्यूक्लियर पावर आ, इसको कॉम्प्लेक्स भी बुलाते हैं ठीक है थीके? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैनअ को जो है किसकी हेल्प से किसके एड से बनाया गया था तो वो कैनडा ने पाकिस्तान को फंड किया था 1972 में जो है इसका इफ्त किया गया था आज का जो है लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है ठीक है उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तकरीबन हर टेस्ट में आती है और एस में आएगी ही आएगी क्योंकि ये ऐसे सवाल आते हैं इनसे एग्जामिनर बाहर कहाँ जाएगा क्या पूछेगा आपसे आपसे क्या पूछेगा मुझे ये सिर्फ ये चीज़ें पढ़ने के बाद आप मुझे ये बताएं कि और सवाल कौन से रहते हैं ठीक है जो रहते हैं रिवर्स वगैरह वो मैं अगली जो है वीडियो में आपको करा दूंगा ठीक है तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मुझे दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़